प्रदेश में लॉकडाउन होने के बाद से देहरादून के उत्तराखंड परिवहन विभाग में सभी कार्य ठप हो गए थे, लेकिन अब अनलॉक वन में वाहनों से संबंधित सभी कार्य शुरू हो गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से एक नंबर जारी किया गया है जिस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक दिन में 20 रजिस्ट्रेशन होंगे, जिसके चलते परिवहन विभाग कार्यालय में लोगों का जमावड़ा लग गया क्योंकि परिवहन विभाग जो नंबर था तकनीकी खराबी होने के कारण चालू नहीं हो पाया था, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि संभागीय परिवहन अधिकारी दिनेश चंद पाठक ने बढ़ाई ने कहा कि व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही व्यवस्था को सुचारू कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की जो भी कार्यालय आता है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क लगाना अनिवार्य होगा और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपको जैसे जानकारी होगी कि हमने सोमवार से संभागीय परिवहन कार्यालय में सीमित संख्या में कार्य प्रारंभ किया जाने का निर्णय लिया था, जिसके संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी और समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से भी हम लोगों ने पब्लिक के सूचनार्थ सारे संज्ञानार्थ सारी सूचनाएँ प्रदर्शित की थी। आज हमारा प्रथम दिवस था जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करना था और रजिस्ट्रेशन दूरभाष संख्या लैंडलाइन नंबर पर किया जाना था। तकनीकी कारणों की वजह से वो हमारा दूरभाष जो संख्या था वो खराब हो गया और 11 बजे जो समय प्रारंभ था होने का वो 11 बजे तक सही नहीं हो पाया। इसकी वजह से क्या हुआ कि गेट में कुछ लोगों की भीड़ लगे, 100-200 लोग वहाँ पे आ गए और वो कहने लगे कि अगर लैंडलाइन सही नहीं कर रहा है तो हम लोगों का आवेदन यहीं पे पंजीकृत करा लिया जाए कल के लिए। तो उस व्यवहारिक दिक्कत को देखते हुए हम लोगों ने कुछ लोगों का पंजीयन वहाँ पे प्रारंभ करना आरंभ कर दिया, लेकिन इसी बीच 11:20-11:25 के आसपास हमारा लैंडलाइन फोन सही हो गया और जो लोगों का हमने मैनुअली रजिस्ट्रेशन किया था उन लोगों को बताकर अवगत कराकर कि आप लैंडलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं, आप लैंडलाइन से करवाइए, और जो मैनुअली हमने कर लिए थे उनको हमने रिकॉर्ड में एंट्री कर ली। उसके बाद लैंडलाइन से अभी भी हमारा पंजीयन की कार्रवाई, एप्लीकेशन के पंजीयन की कार्रवाई चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा लैंडलाइन अब सही चलेगा, कोई तकनीकी अड़चन नहीं आएगी और आगे से ऑनवर्ड्स कल से सब ऑनलाइन के द्वारा ही इसमें अपना फ़ोन कॉल करके लैंडलाइन नंबर पर अपना पंजीयन कार्य के लिए करा सकते हैं। संख्या 100 की निर्धारित कर दी गई है और आज काफ़ी लोगों की शिकायतें भी आ रही है कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है, फ़ोन नहीं लग रहा है क्योंकि कई सारे लोग फ़ोन मिला रहे हैं एक साथ में, तो वो इंगेज है या बिजी दिखा रहा होगा। और आज संख्या शाम को मैं आपको बता भी दूंगा कि कितने लोगों का हमने इसमें कल के लिए पंजीयन करवाया। सभी आवेदकों से मेरा अनुरोध है आपके संबंधित चैनल के माध्यम से कि जिनको भी हम कार्यालय में अनुमति देंगे पंजीयन के उपरांत वो पूरे कार्य परिसर के दौरान उपस्थिति के दौरान मास्क को पहन के रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। यदि किसी आवेदक के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उसको कार्यालय से बाहर कर दिया जाएगा और जो सुसंगत नियमावली है उसके अंतर्गत उसमें मुकदमा दर्ज करने पर भी विचार किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया जनता को सहयोग और सेवा प्रदान करने के लिए की जा रही है, जो बिना जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है।